हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार धांसु ट्रिक आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, वो है स्क्वायर रूट का। ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मात्र आप जो है ना क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ उम्मीद आप कर रहा हूं कि आप बस इस ट्रिक को जो है ना अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट समझ लेगा वो समझिए क्वेश्चन देखते ही जो है बिना पेन और पेपर, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं ना, बिना पेन एंड पेपर से जो है आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। बस आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो चीज को समझना है, उसके बाद जो है ना 2-3 से 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे आप डायरेक्ट आप जो है ना बिना पेन पेपर निकालें आप डायरेक्ट उसका आंसर दे देंगे। जिस तरीका से एक इससे पहले मैं वीडियो प्रोवाइड कराया था वो था नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का, उसका भी एक धांसू ट्रिक जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था। उसका ये जो है सेकंड पार्ट है, इसमें स्क्वायर रूट का धांसू ट्रिक, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है कम से कम आज के डेट में जो कम से कम जो अपलोड किया हो कम से कम 300 प्लस आज का टारगेट है। तो जल्द से जल्द आप लोग पूरा कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीका का मेहनत करके आप लोग भी और जबरदस्त जो आप लोगों को धांसू ट्रिक प्रोवाइड कराते रहता हूं। तो चलिए अब हम लोग यहां पे देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए ये ट्रिक समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं ना कि आपको 1 से लेकर के 10 तक आपको ना जो है स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 3×3=9 4 का स्क्वायर क्या होता है 4×4=16 5 का स्क्वायर क्या होता है 5×5=25 6 का स्क्वायर क्या होता है 6×6=36 7 का स्क्वायर क्या होता है 7×7=49 8 का स्क्वायर क्या होता है 8×64 9 का स्क्वायर क्या होता है 9×9=81 एंड 10 का स्क्वायर क्या होता है 10×2=100। ये हर किसी को मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को ये जो है याद होगा। जब ये याद है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट जो समझ जाएगा ना उसको पूरा जो है ना अगर स्क्वायर रूट में दिक्कत नहीं होगा, बिना पेन पेपर निकाले आप जो है आसानी से बना पाइएगा। अब ट्रिक समझिएगा, मैं आपको के सामने कुछ आपके सामने लिख रहा हूं, उसके बाद लास्ट में मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद एक लास्ट में बहुत ही यूनिवर्सल आपको जो है ना इवरग्रीन जो उसको बोलते हैं इवरग्रीन आपको ट्रिक एक बताऊंगा जो किसी भी नंबर पे आप अप्लाई कर सकते हैं वो ट्रिक को, ठीक है ना। सबसे पहले एक जो है ना हम लोग ये चीज को देख लेते हैं कि कुछ स्पेशल जो ट्रिक होते हैं कुछ नंबर के लिए वो देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो बताऊंगा वो चीज को देखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं, कलर चेंज कर दो, ध्यान से देखिएगा। 41 का स्क्वायर निकालना होगा अगर 42 के निकालना होगा 43 के निकालना होगा 44 के निकालना होगा 45 के निकालना होगा 46 के निकालना होगा 47 का स्क्वायर निकालना होगा 48 के 49 के 50 के अगर इतना के निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा। और भी मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं देखिएगा, मैं अभी जस्ट लिख रहा हूं ना, उसके बाद देखिएगा मैं आपके सामने जैसे बोल दूंगा 41 का स्क्वायर क्या होगा ये होगा, 42 का स्क्वायर क्या होगा ये होगा, 43 का स्क्वायर क्या होगा ये होगा, 44 का क्या होगा ये होगा, आपके सामने मैं आपके सामने देखिएगा मैं कैसे आपको निकाल के बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो है स्पेशल यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जिसका आपको निकालना है, स्पेशल के लिए जो है एप्लीकेबल है। यहां से देखिए 41 हो गया, उसी तरीके से अगर हम लोग को 51 का निकालना होगा तो कैसे होगा, 51 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे होगा, 53 के निकालना होगा तो क्या होगा, 54 के निकालना होगा तो क्या होगा, 55 के निकालना होगा तो क्या होगा, 56 के निकालना होगा तो क्या होगा, 57 के निकालना होगा तो क्या होगा, 58 के निकालना होगा तो क्या होगा, 59, 59 के निकालना होगा 60 के निकालना होगा तो क्या होगा, ये चीज को समझिएगा। अगर उसके बाद हम लोग को 91 का अगर पूछ दे 91 का स्क्वायर क्या होगा, देखिएगा मैं आपके सामने जो है ना एक बहुत ही यूनिक ट्रिक से आपको बताऊंगा, उसके बाद एक जो लास्ट बताऊंगा ना वो चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। इवर ग्रीन ट्रिक है, किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। जैसे 91 के निकालना होगा उसके बाद अगर 92 से पूछ दे 93 के पूछ दे अगर आपसे तो क्या होगा, 94 के अगर पूछ दे तो क्या होगा, 95 का पूछ दे तो क्या होगा, 96 का पूछ दे तो क्या होगा, 97 का पूछ दे 98 का पूछ दे 99 का पूछ दे उसी तरीका से। चलिए यहां तक देखिए, इस जो मैं लिखा हूं ना 50 का तो आपको पता ही होगा, इसको रहन दीजिए, 50 का तो हर कोई जानता है, यहाँ पे जो है ना 57
चलिए 60 का भी तो आसानी से आराम से कोई भी निकाल देगा। चलिए 59 और 99 यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे 41 से क्या होगा, 42 से क्या होगा, 43 किसी भी नंबर का पूछ सकता है, 52 का, 53, 54, 55, 56, 93, 94, 95 किसी का ही पूछ सकता है। इसका निकालने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा मैं आपके सामने में लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो चीज को देखना बहुत जरूरी है, बस कंसंट्रेट होकर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर 41 का पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा मैं बोल रहा हूँ, 50 सुनिएगा, इसके नियरेस्ट में कौन सा है, जी 50 है, ठीक है ना। 41, 42, 49 तक अप्लीकेबल है जो कि 50 के नियरेस्ट में है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, 50 से कितना कम है 41, 50 से कितना कम है 41, तो 50 से जो है 9 कम है, तो 9 * 81 हो गया, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, 9 * क्या हो गया, 81 हो गया। अब बताइए 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 41, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 81 हो गया। अभी और क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 41 - 25 कर दीजिए, 41 - 25 कर दीजिए, 41 - 25 कीजिएगा तो क्या होगा जी, 16 होगा। उसी तरीका से ध्यान से देखिए, सभी अब फटाफट लिखा जाएगा, अब 50 से कितना कम है 42, 50 से कितना कम है 42, 8 कम है तो 64 हो जाएगा, 42 - 25 कीजिएगा तो आपका 17 होगा, ठीक है ना। 50 से कितना कम है 43, तो 7 कम है, 67 - 49 हो गया। देखिए लिखा रहा है 41 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 1681 हो गया, 42 का क्या हो गया, 1764 हो गया, 43 का क्या हो गया, 67 - 49 हो गया, एंड 50 से 43 से कितना कम है 25, 43 - 25 कर दीजिए, 43 - 25 यानी 18, बिल्कुल 18 हो जाएगा, इतना हो गया। 44 का अगर पूछ दे तो क्या होगा, 50 से कितना कम है 44, 50 से कितना कम है 44, जल्दी से बताइए, 50 से कम है 44, 6 यानी 6 क्या हो गया, 36 हो गया। और 44 - 25 कीजिएगा, 44 - 25 कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। और 44 - 25 कर दीजिए, 44 - 25 कीजिएगा तो क्या होगा जी, 44 - 25 कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आएगा 19 आएगा। चलिए इसका इसी हो गया। और 45 तो आपको पता ही होगा, 45 से क्या होगा, इस जब 45 और लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 5 आए तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि 55 - 25, एक अगला टर्म डायरेक्ट दे 55 - 25 हो गया, अगला टर्म कौन है 5 * 20 हो गया, 20 - 25 इसका आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 46 देखिए, 50 से कितना कम है 46, कितना कम है जी, 4 कम है, यानी 4 * 16 और 46 - 25 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 50 से कितना कम है 47, 50 से कितना कम है 47, 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 आ गया, तो 9 को जो है ना डबल डिजिट में लिखना होता है, यानी 09 लिखा जाएगा, 09 हो गया। उसी तरीका से 47 - 25 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 48 को कीजिए, 48 से कितना कम है 48, यानी 50 से कितना कम है 48, यानी 48 दो कम है, 2 * 4 04 लिखा जाएगा, और 48 - 25 कीजिएगा 23 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरीका से 49 का स्क्वायर अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 50 - 49 एक कम है यानी 01 हो जाएगा, और 49 - 25 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 24। कितना आसान से निकल गया, ध्यान से देखिएगा, 41 का आपको आ गया, 1681, 42 का, 1764, 43 का। कंप्यूटर जो है ना आप, और जो आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास कैलकुलेटर होगा वहां से भी चेक कर सकते हैं, आसानी से निकल गया। और एक मैं लास्ट में इवरग्रीन बताऊंगा, वो ट्रिक वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, सभी क्वेश्चन के लिए, आप 2-4 क्वेश्चन इसी टाइप को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो पूरा के पूरा याद हो जाएगा, और क्वेश्चन देखते ही आपको जो है डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। देखिएगा 51 को अगर इसको निकालना हो तो इसमें क्या ट्रिक होता है वो चीज को देखिए, इसमें तो हम लोग 50 से कंपेयर कर रहे थे कि कितना कम था, ये सब तो कम था, अब ये जो है 50 से ज्यादा हो रहा है, तो 50 से कितना ज्यादा है जी, 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 01 हो जाएगा, यानी और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 50 माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा इसमें, एक जो नंबर था उसमें जो है माइनस करते थे 25 ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको करना है 25 में क्या, 25 में जो है ना, यहाँ से देखिएगा 51 है ना, तो क्या ज्यादा है 50 से, क्या ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, 25 और 1 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसी तरीका से 2 का स्क्वायर 2 है ना, 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ दीजिए 50 में कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 25 और 2 27 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से 3 ज्यादा है, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 25 और 3 27 हो जाएगा। उसी तरीका से क्या ज्यादा है 4 है, यानी 4 * 16 हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा 25 * 4 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना आसान से निकल रहा है, 5 ज्यादा है यानी 5 * 25 हो गया, और क्या हो जाएगा 25 यहाँ पे 25 और 5 क्या हो जाएगा 25 - 5 क्या होता है जी 30 होता है बिल्कुल, और 6 ज्यादा है 6 * 6 = 36 हो जाएगा, और 6 यानी 31 हो जाएगा।
ठीक है, 31 आ गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 7 ज्यादा है, 49 हो जाएगा, और 25 और 7 कितना होता है, 25 और 7 कितना होता है, आपको पता होगा 32 होता है, ठीक है। उसी तरीके से 58 का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, कह ज्यादा है 8, यानी 64 हो जाएगा, और 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 25 और 8 हो जाएगा ना, तो 33 हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा। अब इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9×81 हो जाएगा, और 25×9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना आसान से निकल गया, ध्यान से देख रहे हैं ना, कितना आसान से निकल गया। अगर 41 से 49 के बीच में अगर डायरेक्ट बोल देगा तो 50 से कंपेयर कर दीजिएगा, क्या करना है तो कि आपको जो है ना 50 से कितना कम है जी, वो चीज को लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और जो नंबर है उसमें से 25 माइनस कर दीजिएगा, वो इसमें आ गया। अगर 50 से प्लस अगर बोले, 50 से जो है 60-59 तक बोल दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 से कितना ज्यादा है देखिएगा, कॉमन को निकालना तो क्या हो जाएगा, 1 ज्यादा 1 स्क्वायर कर दीजिए, और कितना है 50 से क्या ज्यादा, 1 ज्यादा है, तो 25+1 कर दीजिएगा, 25+1 कर दीजिएगा, यानी 26 ऐसे ही ऐड करते हुए निकाल देना। सभी को आई होप, उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कानवे वाला सीरीज को कैसे निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं इवर ग्रीन ट्रिक बताऊंगा जो सभी नंबर में अप्लीकेबल होगा, प्रत्येक नंबर में अप्लीकेबल होगा, बस ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या करना है जी, इसमें क्या करना, वो चीज को देखिए, इसमें जो करना है इसे भी कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, 91 से अगर 99 तक अगर बोल देगा, किसी भी नंबर को इसमें बोल दे, तो क्या करना पड़ेगा वो चीज समझिए, 100 से इसमें जो है ना 100 के नियरेस्ट में, यानी 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, 100 से कितना कम है जी, 100 से 9 कम है, यानी 9×81 हो गया, 100 से 9 कम है, यानी 9×81 हो गया, और जो है ना 91-9 कर दीजिएगा, 91-9 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 से कितना कम है, जो है 8 कम है, यानी 68 हो गया, 92-8 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना आसान से निकल जा रहा है। 93 क्या कम है जी, 7 कम है, 67-49 हो जाएगा, 93-7 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कम है, 6 कम है, यानी 6×36 हो जाएगा, 94-6 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 95 यानी क्या कम है, 5 कम है, यानी 55-25 हो जाएगा, और 95-5 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा, बिल्कुल। 96 कर दीजिए, क्या कम है, 4 कम है, यानी 4×16 96-4 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, और 96-4 कर दीजिएगा तो 92 हो जाएगा, ठीक है ना। 97 क्या कम है, 3×9 तो ये जो सिंगल डिजिट नहीं लिखा था, डबल डिजिट में लिखा था, यानी 09 हो जाएगा, और 97-3 कर दीजिए तो क्या होगा, 97-3 कर दीजिएगा तो 94, 4×3=94 हो जाएगा। कितना आसान से निकल रहा है। 98 क्या कम है जी, 100 से 2 कम है, यानी 2×2=4 04 हो जाएगा, 98-2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या कम है, 100-9 कीजिएगा तो 1 कम है, यानी 01 हो जाएगा, और 99-1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना आसान शब्दों में ये सब जो है आसानी से निकल गया। ये तो ऑलरेडी सभी को पता होगा, 1 से 10 तक हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 41 से 49 तक बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इवर ग्रीन जो ट्रिक बताऊंगा ना, इसके बाद बताऊंगा, उसमें देखिएगा ये सारे, ये भी जो नंबर है ना, सभी नंबर को आसानी से निकाल दीजिएगा, सभी नंबर को आसानी से निकाल दीजिएगा। मैं अभी जस्ट अभी बता रहा हूं, एक बार इसको रिकॉल कर दूं आपको, ताकि सभी को आपको दिमाग में याद हो जाए। ध्यान से देखिएगा, 91-41 का देखिएगा, ऐसे भी देखिएगा तो 16, 17, 18, 19, 20 से 24 तक है। यहां से देखिएगा 1×4, यानी 1×2×3×4×2 ऐसे लिखा रहे, उसमें इसमें भी देखिए एक तरीका के है, 26 से लेकर 34 तक है, और यहाँ पे 1×2×3×2 इसमें भी देखिए 82 से लेकर 98 तक है, और यहां से देखिए 1×2×3×2 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो करना क्या था, ध्यान से देखिएगा, अगर 41-42 से लेकर 49 तक आपसे बोल देता तो क्या करना था, 50 माइनस क्या करना था जी, 50 से देखिए आपको कंपेयर करना था, 50 से कितना कम है, और तो यानी 50-41 कर दीजिएगा तो क्या कम है जी, आपको 9 कम है, यानी 9×81 हो जाएगा, 41-25 कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। उसी तरीके से ऐसे लिखा गया, इससे 50 से क्या ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1×2=01 हो गया, और क्या करना था, 25 से 1 ज्यादा है ना, तो 25×1=26 हो गया। इसमें क्या करना था कि आपको 100 से कंपेयर करना था, 100 से क्या कम है जी, 9 कम है, तो 9×81 हो गया, और 92-9 कर दीजिएगा, जितना कम है वो माइनस कर दीजिएगा, यानी 82×81 हो गया। यानी कितना आसान शब्दों में आसानी से निकल गया। अब हम लोग को सीखना है इवर ग्रीन ट्रिक। चलिए अब नीचे आइए, यहां पे आइए, अब हम लोग को सीखना है ना इवर ग्रीन ट्रिक सीखना है। इसको इवर ग्रीन ट्रिक बोल सकते हैं, या फास्ट ट्रिक बोल सकते हैं, फास्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको इवर ग्रीन ट्रिक, फास्ट ट्रिक कुछ भी बोल सकते हैं। देखिएगा,
आपसे कुछ भी नंबर बोल सकता है, कोई भी एनीबॉडी किसी भी नंबर बोल सकता है। मान लेते हैं हमें यहाँ पे 57 का निकालना है। 57 का कैसे निकालना है, आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो है ना ऐसे निकालना होगा, तो आपको करना पड़ेगा। मान लेते हैं 57 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको जो है ना एक टी के फॉर्मेट में लिख देना पड़ेगा। टी के फॉर्मेट में लिख दिए ना, तो आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है जी, 749 होता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, और एक जो है 35 आया ना, उसको फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 35 × 2 = 70 एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, और सभी को जोड़ दीजिए, 9, 4, 7 × 5 = 12, 2, 2 और 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3249 57 के देखिए 3249 आ रहा है कि नहीं जी, यहाँ पे चेक कीजिए, देखिएगा 57 का 3249। कितना धांसू ट्रिक है, किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, ये ट्रिक इवर ग्रीन ट्रिक है। देखिए मैं आपको वीडियो के साथ में एक और ट्रिक आपको मिल गया ना, और ये ट्रिक से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर हमको निकालना है, किसका निकालना है जी, 83 का निकालना है या फिर 84 का निकालना है, 84 का निकाल देते हैं, बिल्कुल 84 का निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, 84 का स्क्वायर रूट अगर हम लोगों को निकालना है, तो क्या मैं आपको क्या बताया, आप टी के फॉर्मेट में लिख दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 × 32, और एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 32 × 64 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो रहा है, 6 × 4 = 5, 6 × 4 = 10, 6 × 1 = 7, 1756 है क्या 84 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से मिलाइए, जल्दी से मिलाइए, किन्हीं के पास कैलकुलेटर है जी, जल्दी से मिलाइए, 84 का स्क्वायर 1756 है या नहीं। चलिए ये जो है ना इवर ग्रीन ट्रिक इसको बोलते हैं, किसी भी नंबर उठा लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे 97 है, 97 को उठा लेते हैं, 97 कैसे लिखा, मैं आपको बोला क्या बोला, टी के फॉर्मेट में लिखना, और ये मैं लिखने के लिए अभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, 5 से 7 क्वेश्चन आपने खुद बना लीजिएगा, उसके बाद ना आपको दिमाग में खुद जैसे 97 आया, डायरेक्ट आपको जैसे 84 आया था, 84 का डायरेक्ट आपको दिमाग में क्या चलता है, 4 × 16 = 64 और 8 × 32 = 64, यानी 6 × 4 = 5, यानी 1756, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आता, बिना पेन और पेपर की कोई जरूरत नहीं है आपको दिमाग में, बस 5 से 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या है, 97 को क्या हो जाएगा, 7749 हो जाएगा, और 9×9 = 81 हो जाएगा, 9 × 7 = 63, 63 × 2 कर दीजिए, 63 × 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3×2 = 6, 6×2 = 12 हो जाएगा, 3×2 = 6 हो जाएगा, 6×2 = 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे जब 2 डिजिट से ज्यादा आ जाए तो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, यही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखिएगा इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये डिजिट को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जब भी लिखाएगा तो ये डिजिट को छोड़ करके लिखाएगा, ठीक है ना। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखना, एक डिजिट इसको छोड़ करके आगे लिखना है, इसको ऐड कर दीजिए, 9 हो जाएगा, 6 × 4 = 10 हो जाएगा, 2×1 = 3 = 4 हो जाएगा, 4×8 = 9 हो जाएगा, 94 है क्या, 94 97 के स्क्वायर देख सकते हैं, 94 कितना धांसू ट्रिक है, मजा आ रहा है ना। सब लोग बताइएगा, किसी भी नंबर को एनीबॉडी आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है, बिना पेन और पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जो है ना बस आप 5 से 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी नंबर दिमाग में सोचिए, उसके बाद पहले आप क्या कीजिए ना, मैं फिर से बता रहा, ध्यान से सुनिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको किसी भी नंबर को मैं जो प्रोसेस बताया हूं ना, टी के फॉर्मेट में लिख करके वैसे आपको निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद क्या करना है वो चीज को समझिए, उसके बाद आपको करना है कि आपको खुद से दिमाग में सोचना है, कोई भी नंबर को ले लीजिए और खुद से दिमाग में सोचिए, एनालिसिस कीजिए कि अगर मान लेते हैं 57 है, 57 क्या हो जाएगा, 7 × 49 = 25, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 70 और 49 × 4 = 12, यानी 3249। कितना आसान है, दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, दिमाग में अब वो टाइम नहीं रहा कि मान लेते 84 का लिखना है आपको, तो 84 × 84 ऐसे कीजिएगा, 4 × 16 = 32, 32 × 1 = 33 ऐसे, और फिर नीचे लिखिएगा, इसका टाइम नहीं रहा, इसके चक्कर में रहिएगा तो आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कीजिएगा। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वैदिक मेथड शॉर्ट ट्रिक मेथड को अपनाना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ना, 5 से 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन आप
खुद से बनाइए, उसके बाद दिमाग में एनालिसिस कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रिक है ना, टी वाला मेथड ना, ये ट्रिक से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए अब उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये जो नंबर है ये सब अप्लीकेबल है यहाँ पे, जो इसलिए मैं आपको पहले ये बता दिया, उसके बाद जो है ना आपको जो है एवरग्रीन मेथड बता दिया जाके किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। जैसे आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और जो है ना, अभी आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को आपको निकालना किसका किसका है। आपको निकालना है 94 का स्क्वायर निकालना है, 43 का स्क्वायर निकालना है, एक और देता हूँ 47 का स्क्वायर निकालना है, और एक और देता हूँ 67 का स्क्वायर निकालना है। ये 94 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये जो है ना इवर ग्रीन मेथड जो बताया उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर वो जो पहले वाला मेथड बताऊँ उससे भी निकाल सकते हैं। किसी मेथड से निकाल करके इस वीडियो में जो है कमेंट कीजिए, मैं सभी का कमेंट को रीड करूंगा। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। और इस तरीका का और भी धांसू जबरदस्त ट्रिक आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।